देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Like many plants and animals, there are organisms which are invisible to our naked eyes. These organisms are extremely small. यानी कि ऐसे जीव जो हमें बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं दिखाई देते और बहुत छोटे होते हैं. In 1677, Anton van Leeuwenhoek was looking at a drop of pond water under a crude microscope. 1677 में एंटोन वन ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने क्या देखा कि पॉन्ड वाटर तालाब से एक ड्रॉप यानी कि कुछ बूंदें किसकी ली, पानी की ली, और उसमें माइक्रोस्कोप की सहायता से कुछ जीवों को देखा. ही फाउंड टिनी लिविंग थिंग्स मूविंग अबाउट इन वाटर. ही कॉल्ड देम टिनी ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो उसमें उन्होंने क्या देखा कि बहुत छोटे छोटे जीव तैर रहे थे, तो उन्होंने उसे क्या नाम दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यानी कि ऐसे जीव जिन्हें हम बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते वो क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव. माइक्रो, माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल यानी कि छोटे. बायोस, बायोस मीन्स होता है लाइफ, जीवन. लोगोस, लोगोस मीन्स होता है स्टडी. द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. यानी कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो क्या कहलाती है आपकी, सूक्ष्म जैविकी अर्थात माइक्रोबायोलॉजी. Louis Pasteur, the father of bacteriology, discovered microorganisms in the air and concluded that they are responsible for fermentation. He gave the famous germ theory of disease. आपके लिए क्वेश्चन बनता है यहाँ से, द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी. अगर पूछा जाए कि फादर कौन है बैक्टीरियोलॉजी के, तो आप बताएंगे लुईस पाश्चर. और एक क्वेश्चन बनता है कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, इसके भी कौन बताओगे, लुईस पाश्चर. तो इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने एयर में कुछ जीवाणु देखे और इन्होंने बताया कि फर्मेंटेशन के लिए जो जीवाणु, जो मतलब चीज है, वो जो जिम्मेदार है वो कौन है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है. तो इन्होंने इसके बाद प्रकार बताए, इसके टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दीज आर, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने भागों में विभाजित हुए, 5 भागों में. बैक्टीरिया, फंगी, अल्गी, प्रोटोजोआ और वायरसेस. यानी कि जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ और विषाणु, इन 5 भागों में इन्हें विभाजित किया गया. Most microorganisms are completely harmless and some are even useful to us. यानी कि कुछ जो जीव होते हैं वो हमारे लिए कैसे होते हैं, harmless, हानिकारक, और कुछ कैसे होते हैं, useful यानी कि उपयोगी होते हैं. नंबर फर्स्ट है आपका बैक्टीरिया. बैक्टीरिया कैन बी आइडेंटिफाइड एज यूनिसेल्युलर, अनसेल्युलर, सिंगल सेल्ड प्लांट्स दैट आर फाउंड एवरीवेयर इन वाटर, सॉइल, फूड एंड इनसाइड एंड आउटसाइड लिविंग बॉडीज. जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अक्सर सब जगह पर पाए जाते हैं. सिंगल सेल्ड होते हैं, पानी, मिट्टी, भोजन, सभी में पाए जाते हैं. नोट है आपका, ये सिंगल सेल इज नोन एज बैक्टीरियम. बैक्टीरियम किसे कहा जाता है, सिंगल सेल्ड जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बैक्टीरियम. नंबर सेकेंड है आपका फंगी. फंगी आर प्लांट लाइक नॉन ग्रीन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. सम लुक लाइक प्लांट्स बट डू नॉट हैव रूट्स, लीव्स और फ्लावर्स. द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड माइकोलॉजी. देखो कवक क्या होते हैं, ये जो प्लांट होते हैं नॉन ग्रीन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुकोशिकीय होते हैं. ये पौधे जैसे तो दिखते हैं लेकिन इनमें क्या नहीं होता, वो जड़, पत्ती और फूल नहीं पाए जाते हैं. और जो कवकों का विज्ञान होता है, कवकों का अध्ययन किया जाता है जिसके अंतर्गत, उसे क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, कवक विज्ञान. नेक्स्ट है आपका अल्गी. अल्गी आर सिंपल यूनिसेल्युलर और मल्टी सेलुलर ग्रीन प्लांट्स. दे डू नॉट हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. जो अल्गी होता है इसमें क्या होता है कि शैवाल क्या होते हैं, ये एककोशिकीय और बहुकोशिकीय हरे पौधे ही होते हैं, लेकिन इनमें क्या नहीं पाया जाता, ना तो जड़ पाए जाते हैं, ना तना और ना पत्तियां पाई जाती हैं. प्रोटोजोआ आर द मोस्ट प्रिमिटिव सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स. एमीबा, पैरामीशियम, युगलिना एंड प्लाज्मोडियम आर सम कॉमन प्रोटोजोआ. देखो
देखो प्रोटोजोआ क्या है, ये सिंगल सेल्ड होते हैं, ये माइक्रोस्कोप के द्वारा ही इन्हें देखा जा सकता है। एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम ये किसके एग्जांपल है? प्रोटोजोआ के। वायरस है आपका नेक्स्ट, इसमें देखते हैं वायरसेस आर स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट प्रिमिटिव सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरसेस आर सो टिनी दैट दे आर सीन ओनली बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। Viruses are regarded as a connecting link between living and non-living things. Virus क्या है आपका? Virus भी एक सूक्ष्म जीव है जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। ये आपका सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, यानी कि ये जब तक ह्यूमन बॉडीज के बाहर रहता है, किसी भी लिविंग थिंग से बाहर रहता है, तब तक ये नॉन लिविंग की तरह कार्य करता है, और जब ये एंट्री कर जाता है तो ये किसकी तरह कार्य करता है? जब लिविंग की तरह कार्य करता है। Viruses are responsible for several diseases like common cold, cough, smallpox, etc. Virus किस किस के लिए जिम्मेदार है? Virus यानी कि अनेक बीमारियाँ ऐसी हैं जो हमें वायरस से होती हैं, जैसे जुकाम, खांसी, ये सब किससे होने वाले बीमारी है? वायरस से। लीफ कर्ल डिजीज ऑफ बीन एंड लीफ रोल डिजीजेज ऑफ टोमेटो आर ऑल्सो कॉल्ड बाई वायरस। कुछ बीमारियाँ किसमें भी, यानी कि कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं आपकी जो प्लांट्स में भी हो जाती हैं, किसके द्वारा? वायरस के द्वारा, जैसे पत्तियों का मुड़ना। नोट है आपका, कोरोना इज ऑल्सो वायरस। जो कोरोना बीमारी है आपकी, ये किससे क्या है? एक वायरस है। हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब हम सूक्ष्म जीवों के जो स्थान है वो क्या क्या है उनके बारे में जानेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड प्रैक्टिकली एवरीवेयर एंड इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। दे कैन बी फाउंड इन, अक्सर ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एयर, वाटर, सॉइल, डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी कि हवा में, मिट्टी में, पानी में और जो मृत जीव होते हैं उनमें। नोट है आपका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एमीबा कैन लिव अलोन वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज। यानी कि जो फंगी और बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ रहते हैं? कॉलोनीज में। और अमीबा अलोन यानी कि अकेला रहता है। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर यूजफुल फॉर अस आर कॉल्ड फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स अस इन अ नंबर ऑफ वेज, सम ऑफ दीज आर डिस्कस्ड कैन ग्लो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एज अ फ्रेंड की तरह कार्य करते हैं वो हमारे लिए, ठीक है। तो अब हम जो इनसे होने वाले बेनिफिट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। नंबर फर्स्ट है आपका मेकिंग ऑफ कर्ड एंड चीज। द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। देखो यानी कि जो मतलब मिल्क से हम चीज बनाते हैं या फिर कर्ड बनाते हैं, दही वगैरह, किसके द्वारा बनता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका द बैक्टीरियम रेनिन इज यूज्ड चीज प्रोडक्शन। चीज प्रोडक्शन के लिए किसका यूज किया जाता है? रेनिन का। लैक्टिक एसिड मेक्स द मिल्क मोर एसिडिक, यानी कि जो दूध होता है उसको अम्लीय कौन बनाता है? लैक्टिक एसिड। नंबर सेकेंड है आपका कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज इन मेकिंग एल्कोहल वाइन्स एंड यीस्ट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। एल्कोहल और वाइन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यीस्ट का। नंबर थर्ड है आपका मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं अपने मेडिकल में। यू माइट हैव हियर द टर्म एंटीबायोटिक मेडिसिन, आपने नाम सुना होगा एंटीबायोटिक मेडिसिन का। एंटीबायोटिक्स आर अ ग्रुप ऑफ मेडिसिन प्रोड्यूस फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच किल द हार्मफुल डिजीज कॉजिंग जर्म्स। एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सूक्ष्म जीवों से जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती हैं। सम एंटीबायोटिक्स आर टेट्राफाइक्लिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्सेट्रा। एंटीबायोटिक्स के उदाहरण कौन कौन से हैं? टेट्राफाइक्लिन भी आपकी एंटीबायोटिक्स और स्ट्रेप्टोमाइसिन भी। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं वो सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? द मोस्ट टॉक्ड अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द हार्मफुल वंस। दीज आर द वंस दैट गेट देयर नेम्स इन न्यूज़पेपर्स एंड ऑन टीवी एंड रेडियो फॉर द डिजीजेस दीज
माइक्रोब्स कॉज। आपने न्यूज़पेपर में या टीवी रेडियो में भी इन माइक्रोब्स के नाम सुने होंगे कि मतलब सूक्ष्म जीवों से हमें कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं। नोट है आपका, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोगन्स। जो डिसीज यानी कि जो भी बीमारी हमें माइक्रोब्स के द्वारा होती है उन्हें क्या कहते हैं, पैथोगन। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। देखो जो मानव के अंदर सूक्ष्म जीवों से जो बीमारियाँ आती हैं वो कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे आती हैं। पैथोगन सेंटर द बॉडी इन मैनी वेज। जो पैथोगन्स होते हैं वो अनेक माध्यम से यानी कि किसी न किसी चीज के माध्यम से मानव के शरीर में एंट्री कर जाते हैं। नंबर फर्स्ट है आपका थ्रू द एयर वी ब्रीथ। जब हम सांस लेते हैं तो भी हमारे अंदर सूक्ष्म जीव क्या कर जाते हैं, एंट्री। उससे क्या होता है, जैसे कोल्ड इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियाँ होती हैं। नंबर सेकेंड है आपका थ्रू द फूड वी ईट। जब हम खाना खाते हैं तो भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं, तो उससे हमें कॉलरा यानी कि हैजा जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नंबर थर्ड है आपका थ्रू द वाटर वी ड्रिंक। जब हम पानी पीते हैं यानी कि जो पानी इम्प्योर हो, हमारे पीने योग्य ना हो, अशुद्ध हो, तो उससे भी क्या होता है, हमें हैजा जैसी बीमारियाँ हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है। नंबर फोर्थ है आपका थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, एक्सेट्रा। अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन से कॉन्टैक्ट करते हैं यानी कि हाथ मिलाते हैं या फिर गले मिलते हैं, तो उससे भी क्या होता है, चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं। नोट है आपका मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। यानी कि जो मलेरिया बीमारी फैलती है वो किसके काटने से फैलती है, मादा मच्छर के काटने से फैलती है। एक्सरसाइज दी हुई है आपको, आप पहले वीडियो देखेंगे उसके अकॉर्डिंग फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नंबर फर्स्ट है आपका नेम द फाइव मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि सूक्ष्म जीवों के जो आपको पांच वर्गीकरण बताए थे कि वर्गीकरण किस किस भाग में हुआ है इनका, उन सबके बारे में बताना है आपको। नंबर सेकंड है आपको व्हाट इज वायरसेस, इसके बारे में बताया है, वायरस भी पढ़ाया था इस वीडियो में। नंबर थर्ड है आपका नेम द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। ये भी इसी वीडियो से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। नंबर फोर है डिफाइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहले वीडियो को अच्छे से देखें और फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व।